हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस सेशन में जो फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर, जो कि हमारा 30 डेज 40 मार्क्स का टारगेट वीडियोस लेक्चर्स चल रहे हैं, तो उसमें हम फ्लूइड डायनेमिक्स को क्या करेंगे डिटेल में और देखेंगे। यहाँ पर जो हम फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे उसके कॉन्सेप्ट को हमने कम्प्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने फ्लूइड डायनेमिक्स, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे थे, जो टॉपिक था हमारा ये था फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसकी हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा लेक्चर लग रहा है और इसमें अभी कुछ लेक्चर्स और लगेंगे, मेरे हिसाब से 2 से 3 लेक्चर लगेगा इसमें। ठीक है, सो फ्लूइड डायनेमिक्स में जैसा कि मैंने बताया कि फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडी करते हैं हम, उसके बाद जो इक्वेशन, गवर्निंग इक्वेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं उसको हम देखते हैं, बर्नौली इक्वेशन के डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल्स को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पाइप्स के लिए, पंप के लिए, टर्बाइन्स के लिए अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं तो वो गवर्निंग इक्वेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या सीखा, इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि अगर हम लोग फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं, जहां पे हम कौन कौन से 2 डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करके हम जो भी फ्लूइड होता है जो पाइप में फ्लो करते हैं उनके डिस्चार्ज की क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आज के इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस के बारे में समझाऊंगा, जो कि फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो वो डिवाइस का जो नाम है, उस डिवाइस का नाम है पिटोट ट्यूब। ठीक है, जो डिवाइस है उसका नाम है आपका पिटोट ट्यूब। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ओके, जितना भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आज मैं न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड कराऊंगा। नाउ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये जो सेशन है ये शाम वाला सेशन है। ओके, सो यहाँ पर क्या है ना, व्यूज है वो ठीक ठाक है, मतलब कंपेयर टू दी जो मॉर्निंग सेशन है उससे कंपेयर्ड में जो व्यूज जा रहे हैं मेरे शाम के सेशन में वो ठीक जा रहे हैं। अब यहाँ पर जरूरी ये है कि जो भी मैकेनिकल एंड सिविल के स्टूडेंट्स हैं, कम से कम अगर आप लोग क्वेश्चन या पढ़ना नहीं भी जाते हैं तो कम से कम आप लोग कॉन्सेप्ट को जरूर सीखिए। आज सुबह का जो सेशन हुआ वो काफी ब्रीफ सेशन था, उसका कारण ये था कि तबियत थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं थी और मैं अपने 100% डिलीवर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आप लोग देख भी रहेंगे थोड़ी बहुत खांसी वांसी भी आ रही थी, सो मैंने यही डिसाइड किया कि पिटोट ट्यूब को मैं उसी सेशन में खत्म करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं और अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि पिटोट ट्यूब से भी क्या आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन तो आते ही है। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आपके पास सफिशियंट कुछ टाइम है। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत जल्दी मैं खत्म कर दूंगा, डायनेमिक्स के बाद बहुत ज्यादा पार्ट्स बचता नहीं है। मैं आपको इस सेशन के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि डायनेमिक्स में और जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, वो सब भी हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए, फ्लूइड डायनेमिक्स का जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पिटोट ट्यूब। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। और देखिए, पिटोट ट्यूब एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, पिटोट ट्यूब इज अ डिवाइस, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, अनलाइक जो आपका वेंचुरी मीटर होता है और ऑरिफिस मीटर होता है, जहां पर हम बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करके डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग फ्लूइड जो भी फ्लो हो रहा है हमारा, जो भी पाइप है या जो डक्ट है जहां पर हमारा क्या होता है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए भी जो बेसिक प्रिंसिपल हमारा यूज होगा यहां पर वो भी बर्नौलीज इक्वेशन होगा। तो इट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, अब यहां पर मैं फ्लूइड लिख रहा हूं ना, आप समझिएगा थोड़ा, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, यहां पर हम जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसी का यूज करके क्या करते हैं, पिटोट ट्यूब से हम लोग वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को मेजर करते हैं। तो यहां से एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जब मैंने डायनामिक्स का जो पहला लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां पर मैंने क्लियर कट ये बात कहा भी था कि डायनामिक्स में क्या होगा कि आपका जो बर्नौलीज इक्वेशन होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
ना सिर्फ बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते, जो हमारे ये सब जो डिवाइसेज हम पढ़ते हैं ना फ्रेंड, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा का पूरा बर्नौली इक्वेशन पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर मैं आपसे बर्नौली इक्वेशन ना भी दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई बर्नौली इक्वेशन से पिटोट ट्यूब का न्यूमेरिकल, मतलब पिटोट ट्यूब का जो हम लोग वेलोसिटी उसको कैलकुलेट ना भी करें, तो भी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर आप देखते हैं कि अगर मैं आपको कुछ कंडीशंस दे दूं कि फ्लूइड है वो किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इतनी है, उसका प्रेशर हेड इतना है, किसी पॉइंट पर उसका प्रेशर हेड कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी हेड में कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, डेटम सेट करके आपको मैं दे दूं कि भाई एक पॉइंट है उसका डेटम इतना हाइट है, दूसरे का इतना हाइट है, तो ओवर एंड ऑल लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में अगर आप किसी अननोन कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे भी, तो आप वहां पर क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन का ही वैल्यू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहली चीज तो यहां पर क्या है कि फ्लूइड मेरा फ्लोइंग कंडीशन पर है, ठीक है, तो अगर मेरा फ्लूइड फ्लो की कंडीशन में है तो यहां पर एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहां पर हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी तभी ना कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपका फ्लूइड जो होगा फ्लोइंग कंडीशन में होगा, ठीक है, तो फ्लो की कंडीशन में, उसके बाद में हेड की बात कर रहा हूं, टोटल एनर्जी हेड की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं टोटल एनर्जी हेड की बात कर रहा हूं तो वहां पर बर्नौली इक्वेशन, यहां पर मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स यहां पर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम पिटोट ट्यूब में किस तरह से वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, चलिए इसके मैं बता देता हूं, इसका मैं क्या करता हूं, कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको बताता हूं, कंस्ट्रक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट, इसी कंस्ट्रक्शन पार्ट से ही बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पिटोट ट्यूब में जो वेलोसिटी उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ पिटोट ट्यूब, चलिए कंस्ट्रक्शन पार्ट की बात करता हूं मैं, कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ पिटोट ट्यूब, चलिए समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक पाइप यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करना है यहां पे, तो चलिए यहां पर मैं बना लेता हूं कि मेरे पास एक पाइप है, ओके, ये मेरा कोई भी एक पाइप है, ये मेरा कोई भी एक पाइप है, ठीक है, और यहां पर ये है, ठीक है, ओके। अब ये जो पाइप होता है ना, इसी पाइप में क्या होता है हमारा, इसी पाइप में हमारा कोई भी फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा होगा, ये मेरा फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा होगा, ओके, ये मेरा इनलेट सेक्शन है और ये मेरा आउटलेट सेक्शन है। मान लीजिए कि यहां पर मैं कोई दो सेक्शन ले रहा हूं, तो यहां पर ये जो डायरेक्शन, ये जो मैं एरो का डायरेक्शन बता रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है ना, पिटोट ट्यूब का जो फाइनली जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है ना, बहुत छोटा सा होता है, बहुत इजी है, मैं डायरेक्टली नहीं बता रहा, मैं आपको थोड़ा सा डिराइव कराने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि आप वेलोसिटी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक पीजोमीटर होता है, यहां पर आपका एक पीजोमीटर होता है, इस पॉइंट पर आपका एक पीजोमीटर होता है, चलो इसको भी मैं बना देता हूं ये ऐसे करके, और यहां पर आपका क्या होता है, पिटोट ट्यूब होता है, इस तरह से होता है आपका ये ऐसे करके, यहां पर आपका क्या होता है, ये पिटोट ट्यूब होता है, चलो भाई ठीक है, ओके। नाउ यहां पर आपका कुछ मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, ये आपका कुछ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जिसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट होती है, चलिए इसको मैं दिखा देता हूं, ये आपका होगा कुछ यहां पर मैं पॉइंट ले रहा हूं वन और यहां पर मैं पॉइंट ले रहा हूं टू, ये दोनों आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है, ये पिटोट ट्यूब है, पिटोट ट्यूब आपका कैसा होता है, 90 डिग्री बेंड होता है, और इसका ये जो पोर्शन होता है, ये जो सेक्शन वन है ये आपका अप स्ट्रीम साइड है, ये सेक्शन टू जो है आपका डाउन स्ट्रीम साइड है, ठीक है, यहां पर आपका कुछ फ्लूइड है, ये फ्लूइड का कॉलम है, ठीक है, यहां पर यहाँ पर फ्लूइड का कॉलम आ जाता है आपका, ये आपका फ्लूइड का कॉलम है, ये आपका फ्लूइड का कॉलम है, ओके, और ये जो आपका डिफरेंस इन हाइट है, ये जो आपका डिफरेंस इन हाइट है ये वाला, ठीक है, ओके, ये आपका मैं मान के चलता हूं, ये मैं आपका स्मॉल एच मान के चलता हूं, ये मैं आपका स्मॉल एच मान के चलता हूं, ओके। So, क्या होता है ये, इस तरह से कुछ आपका अरेंजमेंट होता है, ये आपका पाइप होता है, दिस इज योर पाइप, ठीक है, बहुत सिंपल अरेंजमेंट है इसका, आसानी होगी बहुत समझने में, ये आपका कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है जिसकी आपको क्या करनी है, वेलोसिटी को मेजर करनी है। याद रखिएगा कि यहां पर जो वेलोसिटी को मैं मेजर कर रहा हूं वो मैं किसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा हूं, उस फ्लूइड की वेलोसिटी को जो पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप के अंदर वाली वेलोसिटी को मैं मेजर कर रहा हूं।
अब ये जो होता है मेरा फ्रेंड्स, ये मेरा होता है पीजोमीटर, ये मेरा क्या होता है पीजोमीटर, ठीक है। यहां पर मैंने दो सेक्शन रख लिया, सेक्शन वन और सेक्शन टू, जो कि क्या है मेरा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। जो सेक्शन वन है ये सेक्शन आपका पाइप के अंदर मौजूद है, और ये जो सेक्शन टू है ये जस्ट ये जो पिटॉट ट्यूब है, ये आपका पिटॉट ट्यूब है, ये आपका पिटॉट ट्यूब है। और ये पिटॉट ट्यूब का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कि 90 डिग्री बेंड जैसा एक पाइप होता है, ठीक है। इसका जो मुंह है, इसका जो ओपनिंग है, ये जो आपका इसका ओपनिंग जो कह सकते हैं, ये आपका किसको फेस करता है, फ्लूइड वेलोसिटी को फेस करता है। देखिए फ्लूइड वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल इसके माउथ की तरफ है, ठीक है। मैं इसको क्या कह देता हूं, माउथ ऑफ पिटॉट ट्यूब कह देता हूं, इसको मैं माउथ कह देता हूं। तो क्या होता है यहां पर प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है, पिटॉट ट्यूब इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब आपका फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके पास क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं क्या कह रहा हूं कि whenever a fluid flow, अगर जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो क्या होता है उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, इट हैज सम वेलोसिटी। तो यहां पर जब उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो यहां पर क्या होता है, एट पॉइंट वन क्या होता है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब अगर मैं बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेड की बात करूं तो यहां पर जो H1 होता है, यहां पर आपका प्रेशर हेड की भी कुछ वैल्यू होती है, यहां पर आपकी वेलोसिटी हेड की भी कुछ वैल्यू होती है। और अगर मैं यहां पर कुछ डेटम एज्यूम कर भी लूं तो चलो मैं डेटम हेड को भी यहां पर क्या कर देता हूं, डिनोट कर देता हूं, ठीक है। मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि पिटॉट ट्यूब का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होता है कि जब भी फ्लूइड फ्लो करता है और जो फ्लूइड यहां पर पहुंचता है, मतलब जो भी फ्लूइड का स्ट्रीम इस पॉइंट टू यानी कि जस्ट उसके माउथ पे पहुंचता है यहां पर, तो वहां पर क्या होता है, जो भी फ्लूइड की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं एट पॉइंट टू की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एट पॉइंट टू यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बिकम्स जीरो, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पीजोमीटर है, पीजोमीटर में मेरे पास कुछ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ठीक है, जो हेड को जा, अब यहां पर भाई मेरे पास जो भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है तो उसके पास कुछ प्रेशर हेड होगा, इसी प्रेशर हेड को मेजर करता हूं मैं। तो मान लीजिए कि यहां पर कुछ भी प्रेशर हेड है, मैं इसको लिख देता हूं P1/ρg = H। मान लीजिए मैं इसको जो यहां का प्रेशर हेड है, जो ये पीजोमीटर मेरे को शो कर रहा है, वो क्या है, कैपिटल H है, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्लूइड आपका यहां पर फ्लो कर रहा है, फ्लो करके जैसे ही फ्लूइड आपका सेक्शन टू में पहुंचता है वहां पर पीजोमीटर का कंस्ट्रक्शन की वजह से यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर यहां पर वेलोसिटी हेड जीरो हो रही है यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल यहां जीरो हो जा रही है, तो यहां पर कौन सी एनर्जी, मतलब कौन सा हेड यहां पर इंक्रीज होगा, तो यहां पर क्या होता है ना, प्रेशर हेड इंक्रीज हो जाता है। और वही जो आपका प्रेशर हेड इंक्रीज होता है उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, उसको मैं इस कैपिटल स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। क्या हुआ, फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा तो यहां पर उसका कुछ प्रेशर हेड भी था सेक्शन वन पे, यहां पर कुछ वेलोसिटी हेड भी था, लेकिन एट सेक्शन टू यहां पर वेलोसिटी हेड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब बर्नौली इक्वेशन से मुझे क्या पता है, फ्रेंड्स कि अगर यहां पर दोनों का डेटम कॉन्स्टेंट है, यहां का दोनों का डेटम सेम है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि दोनों पॉइंट्स के लिए प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड आपकी क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। टू पे क्या होता है कि आपका वेलोसिटी हेड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर आपका वेलोसिटी हेड जीरो हो जा रहा है और ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो यहां पर प्रेशर हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर हेड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और यही जो प्रेशर हेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये किसके बराबर है, ये स्मॉल एच के बराबर है। तो यहां से लेकर यहां तक तो हाइट कितनी है, यहां से लेकर यहां तक तो ये हाइट है एच जो कि हमने यहां एज्यूम की थी, और जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, स्मॉल एच। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब मैं यहां पर दोनों सेक्शन पे बर्नौली इक्वेशन लगा दे रहा हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन वन एंड टू, ठीक है। यहां पर जो दो सेक्शन है आपके वन एंड टू, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं। तो बर्नौली इक्वेशन में एक बात समझिए, अभी मैं यहां पर लॉस ऑफ हेड की वैल्यू क्या मान के चल रहा हूं, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर जो फ्लो के दौरान लॉस ऑफ हेड की वैल्यू है वो जीरो है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एज्यूमिंग लॉस ऑफ एनर्जी हेड, ठीक है,
इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम HF से डिनोट करते हैं, इज जीरो। ठीक है, मैं यहां पर यह अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहां पर जो लॉस ऑफ एनर्जी हेड है स्पिट आउट ट्यूब के लिए वो क्या है, जीरो है। तो अगर मैं पाइप के लिए लिखना चाहता हूं तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था। पाइप के लिए क्या होता है, पाइप के लिए कोई भी पाइप है तो उसके पास, यहां पर कोई भी पाइप है और वहां पर मैं दो पॉइंट्स को ले रहा हूं, तो वहां पर अगर मैं लॉस ऑफ हेड को अगर जीरो कंसिडर कर रहा हूं तो यहां पर जो एनर्जी हेड की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एच वन इज इक्वल टू एच टू होगी। तो यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर इन दो पॉइंट्स के लिए बर्नौली को मैं कैसे इस्तेमाल कर लूंगा, इसको मैं लिख दूंगा एच वन इज इक्वल टू एच टू। ठीक है, इजी है बहुत। चलिए अब ये एच वन एच टू क्या है, बर्नौली इक्वेशन ही तो है। चलिए इसको इलेबोरेट करते हैं, पूरा फुल करके लिख देते हैं। तो यहां पर ये क्या मिलेगा आपको, पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाय रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपका जो प्रेशर P1 है, ठीक है, यहां पर P1 बाय जो रोजी है, यहां पर जो P1 बाय रोजी है, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख के रखी है, इसकी वैल्यू मैंने H लिख के रखी है। चलिए उससे पहले आपका पॉइंट वन और पॉइंट टू, यानी कि सेक्शन वन और सेक्शन टू की जो मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों सेक्शन पॉइंट्स जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मौजूद है, तो मैं कह सकता हूं कि Z1 जो होगी आपकी Z2 के बराबर होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Z1 मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, सिंस Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है, सिंस Z1 इज इक्वल टू Z2, तो यहां पर मैं इस दोनों को क्या कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। मेरे पास इक्वेशन आई है P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, ये फाइनल मेरे पास क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है, लीजिए भाई। चलो अब यहां पर मेरे पास कुछ चीज देखने वाली है, क्या क्या चीज देखने वाली है, मुझे P1 बाय रो जी की वैल्यू और P2 बाय रो जी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई P1 बाय रो जी की वैल्यू कितनी है, तो P1 बाय रो जी की वैल्यू शुरू में मैंने कुछ हेड एज्यूम करके रखा था, वो हेड जो मैंने एज्यूम किया था उसको मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल एच। उसी तरह से अगर मैं P2 बाय रो जी की वैल्यू देखूं तो P2 बाय रो जी क्या हुआ, यहां पर प्रेशर हेड की वैल्यू इंक्रीज हुई, शुरू में तो उसके पास कुछ हेड था कैपिटल एच और जो वेलोसिटी हेड वहां पर जीरो हो गया, उसकी वजह से कुछ स्मॉल एच जो प्रेशर हेड था वो इंक्रीज हो गया। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये था अपना कैपिटल एच प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी, ओके, इज इक्वल टू पी टू क्या था, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच प्लस यहां पर जो वी टू स्क्वायर बाय टू जी था, मतलब यहां पर ये जो वी टू है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन टू है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर बाय टू जी, क्योंकि ये जीरो हो जा रहा था। तो यहां से मेरे पास क्या आया, यहां से मेरे पास आया कैपिटल एच प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। अब यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, दोनों एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो वी वन स्क्वायर आया ये क्या आया, टू जी एच, और जो वी वन की वैल्यू आ गई यहां से क्या आ गई, अंडर रूट टू जी एच। तो ये जो वेलोसिटी होती है मेरी, ये जो वेलोसिटी होती है, ये जो हम निकाल के लाते हैं, यही मेरी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, मेजर्ड बाय पिटॉट ट्यूब। ठीक है, तो यही जो वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी मेजर्ड बाय द पिटॉट ट्यूब। अब जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था हमने किसकी वैल्यू फाइनली कैलकुलेट की, हमने फाइनली वेलोसिटी यानी कि वी वन को हमने कैलकुलेट किया, और मैंने आपसे कहा भी था कि पिटॉट ट्यूब का काम है कि जो भी आपका पाइप है या जो भी आपका डक्ट है जिसमें से आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को निकालना है। तो वो वाली वेलोसिटी आपकी कौन से पॉइंट पे थी, पॉइंट नंबर वन पे ही थी कि नहीं थी, क्योंकि पॉइंट नंबर वन पे ये पूरा पाइप में क्या था ना, फ्लूइड फ्लो रहा था, इस सेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा था, ठीक है, इसी की वैल्यू मुझे क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अब एक और मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जो पिटॉट ट्यूब होता है वो सिर्फ 90 डिग्री के ही बेसिस पे नहीं होता, इसके और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपसे जो सवाल पूछेगा वो 90 डिग्री वाला ही पूछेगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। अब यहां पर जो मैंने आप लोगों की वेलोसिटी हमने जो डिराइव किया, यहां पर हमारी वेलोसिटी की क्या वैल्यू आई, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो 2gh है आपका स्मॉल h, यही आपका क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर हेड की वैल्यू थी ना, ये h की वैल्यू क्या थी, ये जो h था मेरा, यही h क्या था, इंक्रीज इन प्रेशर हेड, इंक्रीज इन प्रेशर
इंक्रीज इन प्रेशर हेड था, ठीक है, ओके। नाउ यहां पर ये जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है, ये वेलोसिटी एक्चुअली में कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी हमारी थ्योरिटिकल वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी मेरी थ्योरिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू बताना चाहता हूं, एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू, तो वी एक्चुअल आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सी वी अंडर रूट टू जी एच। ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल फॉर्मूला हो गया। यहां पर ये जो CV होता है फ्रेंड्स, ये जो CV होता है, ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए ध्यान से समझिए, जब हम डिस्चार्ज के लिए निकालते थे वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर के लिए, हम वहां पर क्या यूज करते थे? सीडी को यूज करते थे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। यहां पर जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो मेरा कांस्टेंट की वैल्यू है, ये क्या होती है? मेरी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है याद करना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, कुछ कॉमन सेंस की बात हो रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो इसलिए ही हम एज्यूम करते हैं। देखिए बर्नौलीज इक्वेशन को जब मैं यूज कर रहा था, तो बर्नौली इक्वेशन में मैं ये मान के चल रहा था ना कि यहां पर मेरा कोई भी हेड लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर मेरा हेड लॉस नहीं हो रहा है, तो उस केस में मेरा क्या आता है? उस केस में मेरी जो वेलोसिटी आती है, वो ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी आती है। बट मैंने आपको कहा है ना कि एजप्शन एक जगह है, जब न्यूमेरिकल्स आपसे गेट में पूछे जाते हैं, तो वहां पर कुछ लॉस एज्यूम करने बोल देता है। तो अगर वो लॉस एज्यूम करने बोल दे रहा है, और एग्जाम में अगर वो बोल देगा कि भाई कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो आपका आया, यहां पर जो आपका ये आया CV is equal to under root 2GH, तो अगर आपसे यहां पर पूछता है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, आप ऐसे गेट में तो नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ ये आप क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बाय द थ्योरिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप और अ डक्ट मेजर्ड बाय किसे मेजर किया आपने? पिटॉट ट्यूब, मेजर बाय दी पिटॉट ट्यूब। ये आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे इसको लिख सकते हैं कि कुल मिला के आपका क्या है कि जो सीवी होता है, देखिए सीवी क्या होगा? जो आपका एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दी थ्योरेटिकल वेलोसिटी। हमेशा ध्यान रखिए कि जो थ्योरेटिकल वैल्यूज होती है, आपके एक्चुअल वैल्यूज से ज्यादा होती है। जब मैं वेलोसिटी और डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं, क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहां पर हम लॉस को कंसिडर नहीं करते। जब हम थ्योरेटिकल की बात करते हैं, तो वहां पर हम बर्नौलीज इक्वेशन को लगा रहे हैं। बर्नौली इक्वेशन में हम तीनों केसेस में, चाहे मैं वेंचुरी मीटर की बात करूं, ऑरिफिस मीटर की बात करूं, पिटॉट ट्यूब की बात करूं, कहीं पर भी हम क्या करते हैं? हम लॉसेस की बात नहीं करते, हम हेड लॉस को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हेड लॉस को कंसिडर कर लिया जाता है, जब न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच की बात आ जाती है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो रहा हमारा न्यूमेरिकल, ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा जाता है, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। चलिए न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर? न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे आपके पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, दोनों का अपना अपना कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। चलिए पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल ओके, आई होप आपको एक क्लियर कट दिख रहा होगा। मैं बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल था 1996 गेट में पूछा गया था बाय आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना आईआईटी मतलब गेट का ये सवाल है, ठीक है। ये पिटॉट ट्यूब से ही आया गया है, और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। फिगर शोज द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको यहां पर एक डिवाइस लगाया गया है, देखिए डिवाइस लगाया गया है, और ये किसकी वेलोसिटी को मेजर करना चाहता है? ये एयर की वेलोसिटी को मेजर करना चाहता है, ठीक है। मतलब मैंने यहां पर कहा था ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को मेजर कर रहा है, तो फ्लूइड में आपका क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, डेंसिटी इन्होंने आपको दे दिया गया है 1.2 kg/m³।
तो यहां पर आपको जो जो गिवन डेटाज है उसको आप लिख दीजिए ताकि सॉल्व करने में टाइम ना लगे। आपको जो फ्लूइड दे दिया गया, फ्लूइड आपका क्या है, फ्लूइड आपका एयर है, ठीक है। अगर फ्लूइड आपका एयर है तो डेंसिटी ऑफ एयर आपको दे दी गई है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहां पर आपको 1.2 केजी क्वेश्चन में दे दिया गया है। अगर क्वेश्चन में नहीं देता वो आपको क्या करता, ये अस्यूम करके चलता कि अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेना पड़ता। एग्जैक्टली जो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होता है वो क्या होता है, 1.255 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने आपको यहां पर 1.2 दे दिया है। ओके, थ्रू अ कॉन्स्टेंट एरिया डक यूजिंग अ पिटोट ट्यूब एंड अ वाटर ट्यूब मैनोमीटर। अब यहां पर जो आपको मैनोमीटर दिया गया है, ठीक है, यहां पर जो मैनोमीटर दिया गया है उससे जो हम रीडिंग कर रहे हैं, जो हम प्रेशर रीडिंग ले रहे हैं, यहां पर जो फ्लूइड हमारा यूज हो रहा है वो कौन सा फ्लूइड यूज हो रहा है, वो यहां पर वाटर यूज हो रहा है। तो यहां पर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है वाटर, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी होगा, इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो होगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब यहां पर देखिए आपको कहीं भी, हाँ, वाटर का भी आपको डेंसिटी दिया हुआ है। द डिफरेंशियल हेड ऑफ वाटर इन द टू कॉलम्स ऑफ द मैनोमीटर इज 10 mm, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्स की वैल्यू दे दी गई है, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 mm, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर, ठीक है। 10 mm को आप क्या करेंगे, 10 mm को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 मीटर आपका आंसर यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी। क्या पूछा है आपसे, टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, एकदम इजी कैलकुलेशन के लिए आपको बोल दिया है कि आपको g की वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8 लेनी है। द वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड इज, ठीक है, आपको डायरेक्टली क्या पूछ दिया जा रहा है, आपको डायरेक्टली ये पूछ दिया जा रहा है कि भाई जो वेलोसिटी है, ये जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड यहां से आपका फ्लो हो रहा है, इस वेलोसिटी ऑफ, ये जो एयर है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जो मैं यहां पर क्या करूंगा, मेजर करूंगा। तो यहां पर सिंपल सा मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर मेरे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, V=CV√2gh, ठीक है, यही क्या है मेरे पास, यही फॉर्मूला है। अब यार क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्वेश्चन में कहीं भी कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको CV या CD की वैल्यू नहीं दी जाती है तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यहां पर आप क्या कर लीजिएगा, यहां पर आप CV के वैल्यू को, ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे, CV के वैल्यू को 1 एज्यूम कर लेना, ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं कि कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है पिटोट ट्यूब के लिए, ठीक है, पिटोट ट्यूब के लिए वो कितना होती है, 0.982 0.99, अगर आपको देगा तो इसी रेंज के लिए देगा, ठीक है। तो अगर इस रेंज के लिए दे रहा है, अगर इतनी ज्यादा होती है CV की वैल्यू 0.98 0.99, यानी कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दी थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है, तो आप यहां पर 1 ले लेते हैं। अगर ऑरिफिस मीटर में आपको देता है, अगर ऑरिफिस मीटर में आपको कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू नहीं देता है, मान लो ऐसा कुछ हो गया, तो बाबा वहां पर 1 मत ले लेना। अगर ऑरिफिस मीटर के लिए, मैं थोड़ा बहुत एकदम ध्यान से समझिए इसको, अगर ऑरिफिस मीटर के लिए आपको कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू नहीं दे देता है, ठीक है, नहीं देता है, तो वहां पर भाई इसके सीडी की वैल्यू को 1 मत ले लेना, ठीक है। वहां पर कितना लेना, वहां पर 0.64 स्टैंडर्ड है उसको ले लेना, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। पता चला सर आपने तो बोला था नहीं देगा तो 1 ले लोगे, भाई 1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू यहां कहां तक होती है, 0.98 0.99 तक होती है, यहां पर मैं 1 कंसीडर कर सकता हूं। वेंचुरी मीटर के लिए कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 0.98 0.99 होती है, ठीक है, वहां पर भी मैं 1 ले सकता हूं, लेकिन मैं ऑरिफिस मीटर के लिए 1 नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, ओके। चलो अब यहां पर मेरे पास जी की वैल्यू दे दी गई है, जी की वैल्यू दे दी गई है 9.8, ठीक है। अब मुझे एच कैलकुलेट करना है, तो एच का वैल्यू हम जानते हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड -1। देखिए आपका जो भी हेड निकालने का तरीका होगा वो ऐसा ही होगा, क्योंकि यहां पर पीजो, देखिए आपका जो पिटोट ट्यूब था उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड कंटेन था, मतलब उसी में मैनोमेट्रिक फ्लूइड कंटेन था, बट जो जो आपका पीजोमीटर था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो कंटेन कर रहा था वो ये पीजोमीटर कर रहा था, ये आपका जो पिटोट ट्यूब था इसमें क्या था, जो हेड इंक्रीज हो रहा था वो बाय द फ्लोइंग फ्लूइड शो किया जा रहा था,
ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर जो भी आपको मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो हाइट दे दी जा रही है, जो भी आपको एक्स की वैल्यू दे दी जा रही है, तो फॉर्मूला तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 इनटू, ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड। अब यहां पर समझना है हेवियर लिक्विड क्या है, हर बार मरकरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन्होंने क्या आपको हेवियर लिक्विड कौन सा दिया है, वाटर दिया है, तो वाटर की वैल्यू को पुट करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1 होता है, अरे 1000 ले लो ना, क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1.2, ये किसका है, एयर का है, -1। तो यहां पर जो h की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, h की वैल्यू क्या आएगी, 0.01 × 1000 / 1.2 - 1। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है 8.32 मीटर आ रही है, काफी ज्यादा आ रही है, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8.32 मीटर आ रही है। तो ये आपकी h की वैल्यू आ गई, तो बस अब आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर क्या हो गई, यह हो गई अंडर रूट, ठीक है, 2 × 9.8 × 8.32। तो ये जो वैल्यू आपकी आई, अब सीवी की वैल्यू, यहाँ पर जो सीवी की वैल्यू है वो 1 पहले से पुट करके मैं देख चुका हूँ। ठीक है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि वहां पर मैंने 1 पुट कर दिया है। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी 2 × 9.8 × 8.32, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ रही है 12.76 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी, जो एयर की वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पर जो एयर की वेलोसिटी वो कितना है, 12.76, मतलब क्लोजली इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन है जो आपके क्या होता है, पीजोमीटर में आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, दूसरा टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसा होता है, चलो दूसरा टाइप का भी न्यूमेरिकल यहाँ पे हम डील कर लेते हैं। दूसरा टाइप का ये वाला न्यूमेरिकल भी काफी अच्छा है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, चलो चलिए देखते हैं, आपको होपफुली क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, क्या दिया है, अ पिटोट ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 300 mm डायामीटर। ठीक है, आपका एक पिटोट ट्यूब है, उसे हमने एक पाइप में फिट कर दिया है, और जो पाइप का डायामीटर है वो कितना है, 300 mm है, बहुत बढ़िया। तो चलो एक एक करके गिवन लिख देते हैं, गिवन आपका लिख देते हैं। तो गिवन आपका पहला क्या है, आपके पास डायामीटर है, तो डायामीटर आपका कितना है, 300 mm, ये किसका है, पाइप का डायामीटर है, तो मैं इस पर D1 लिख देता हूं। द स्टैटिक प्रेशर इन पाइप इज 100 mm ऑफ मरकरी वैक्यूम। अब ये क्या सेंटेंस दिया है, ठीक है, चलो समझेंगे इसको धीरे धीरे करके। पहले आपको क्या बोला है कि कुछ स्टैटिक प्रेशर है पाइप का जो कि 100 mm ऑफ मरकरी है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, और ये वैक्यूम दिया है, ठीक है। द स्टैग्नेशन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप रिकॉर्डेड बाय द पिटोट ट्यूब इज 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर क्या दिया है, स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू, स्टैटिक प्रेशर हेड, ठीक है, स्टैटिक प्रेशर, देखिए इन टर्म्स ऑफ ये क्या दिया है, मिलीमीटर दिया है, यानी कि यहां पर आपको स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू दी गई है। मैं सब समझाऊंगा क्या होता है, स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू यहां पर दी गई है 100 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, 100 mm ऑफ मरकरी, मरकरी यानी कि Hg, और यहां पर बगल में लिखा है वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है नेगेटिव प्रेशर दिया हुआ है आपका। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, पी स्टैटिक आपको दिया गया है, ठीक है, पी स्टैटिक आपको दिया गया है 0.1 मीटर ऑफ Hg, और ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, कि ये वैक्यूम प्रेशर है। चलिए, स्टेग्नेशन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप रिकॉर्डेड बाय द पिटोट ट्यूब। अब यहां पर एक स्टेग्नेशन प्रेशर करके भी एक वैल्यू दी गई है आपको, तो इसको मैं लिख देता हूं, पी स्टेग्नेशन ये आपको दिया गया है 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कम से कम हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0.981 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर मैं इसको पास्कल भी लिख सकता हूं। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इफ द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज 0.85 टू द सेंट्रल वेलोसिटी, टेक सीवी इज इक्वल टू 0.98। यहां पर देखिए आपको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू 0.98 दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला है कि आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है,
आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। इफ द मीन वेलोसिटी इज 0.85, आपकी जो मीन वेलोसिटी है, वो क्या है, जो आपकी सेंट्रल वेलोसिटी है, मतलब जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो आप कैलकुलेट करते हैं उसका 0.85 टाइम्स है, 0.85 टाइम्स ऑफ जो आपके फ्लूइड वेलोसिटी बाय एट सेंटर ऑफ द पाइप। चलो अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर जो गिवन डेटा है उस हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। आपके पास एक पाइप है, पाइप में कोई भी फ्लूइड है, फ्लो हो रहा है, फ्लूइड के बारे में यहां पर मेरे को कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। वो फ्लूइड का स्टैग्नेशन प्रेशर की वैल्यू और स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू आपको दे दी गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फ्लूइड में जो 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 फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी निकालनी है, सच दैट, देखिए यहां पर आपके पास जो पिटोट ट्यूब, जो भी पिटोट ट्यूब से हम मेजर करते हैं, तो आपके पास जो वेलोसिटी निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, सीवी अंडर रूट 2gh आती है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है। वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो पाइप में क्या होता है, फ्लो होता है, एक्चुअल वेलोसिटी होता है पर मैक्सिमम वैल्यू होता है। आपके पास जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी एक्चुअल में जो वेलोसिटी है यहां पर कितना आ रही है, 0.85 ऑफ वी आ रही है। ये जो वी हमने लिखा है वो ये है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, यहां पर हमको जी की वैल्यू पता है, सीवी की वैल्यू पता है, हमको ये एच की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एच इज इक्वल टू स्टैग्नेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड ऑफ द लिक्विड होता है, ठीक है। स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप बस ना अभी क्या कर लो, याद कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बस ध्यान में रखो, ठीक है। क्या होता है कि H की जो वैल्यू होती है वो स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड की क्या होती है, वैल्यू होती है। कैसे होती है सर, क्यों होती है सर, क्या होता है ये सर, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी इसको मैं नहीं समझाऊंगा। अभी आप बस इसको ये एज अ क्या करो, नोटेशन लिख लो, ये एक्चुअली कहना साइंटिफिक रिलेशन है, ठीक है, इसको बाय एक्सपेरिमेंट इसको लाया गया है। तो आप क्या कर लो, इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। आपको यहां पर क्या करना है, H की जो ये जो वैल्यू है यहां पर आपको ये दोनों जो प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ हेड में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा कि H की जो वैल्यू है ये स्टैग्नेशन प्रेशर हेड यानी कि इसको इन टर्म्स ऑफ हेड और यहां पर स्टैटिक प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपकी H की वैल्यू आएगी, वो इन टर्म्स ऑफ मीटर आएगी। तो यहां पर आपको स्टैग्नेशन प्रेशर कितना दिया गया, आपको स्टैग्नेशन प्रेशर दिया गया है, स्टैग्नेशन प्रेशर आपको दिया गया है 0.981 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही आपको दिया गया है। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ हेड कन्वर्ट करूंगा तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 × 9.81 करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, प्रेशर हेड जो होता है वो क्या होता है, पी बाय रोजी होता है, और यहां पर जो स्टैंडर्ड डेंसिटी है, स्टैंडर्ड फ्लूड है, वो क्या होता है, वाटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.981 × 10⁴ डिवाइडेड बाय 1000 × 9.81, तो ये कितनी में आ जाएगी, ये आपकी 1 मीटर आ जाएगी। तो स्टैग्नेशन प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ गई इन टर्म्स ऑफ मीटर, 1 मीटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू निकालनी है, स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू। अब स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू क्या दी गई है, -0.1 मीटर ऑफ मरकरी यानी कि × 13.6। क्यों 13.6 किया मैंने, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है आपकी मरकरी की, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी ये कितनी होती है, ये आपकी 13,600 होती है, ठीक है। तो अगर आप बोलते सर आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर करके क्यों नहीं करते, तो देखिए बात बराबर ही पड़ेगा, मैं बता देता हूं। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करते तो ये क्या आ जाता, 0.1 × 13,600 × 9.81, यही आता कि नहीं आता। अब इसको मैं क्या करता हूं, 1000 रोज इंटू जी से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब डिवाइड कर दूंगा, तो 1000 × 9.81, तो बात मेरा बराबर ही आ रहा है, 0.1 × 13.6, ठीक है, ये बराबर ही आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या किया, इसके मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1.36 मीटर आ गया। तो अब यहां पर जो ये मैं एच को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो एच को मैं क्या लिख सकता हूं, स्टैग्नेशन
प्रेशर हेड स्टैग्नेशन माइनस प्रेशर हेड ऑफ स्टैटिक, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 1.36 मीटर, तो ये क्या जाएगा 2.36 मीटर। तो यहां से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, यहां से आपके h की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार आपके h की वैल्यू आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू में पुट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका आ गया, फॉर्मूला ये आपके फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो चलो पुट कर दो, क्या आएगा आपका प्रेशर, ये आपके जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी आएगी आपकी 0.98 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 2.36 मीटर। तो चलो यहां से आपकी जो वेलोसिटी आएगी, बता देता हूं, जो भी फ्लूइड है आपकी 0.98 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच कितना है आपका 2.36 मीटर, 6.668, ये आपकी कितनी आ रही है 6.668 मीटर पर सेकंड आ रही है। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इफ द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो आपकी मीन वेलोसिटी है वो कितना दिया गया 0.85 दी सेंट्रल वेलोसिटी। ये जो आपकी वेलोसिटी आपने निकाली है ये सेंट्रल वेलोसिटी निकाली है, मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीन वेलोसिटी इसको आप क्या करेंगे 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.85 इंटू 6.668, तो ये आपकी जो एक्चुअल जो फाइनल वैल्यू आएगी इसमें क्या आ जाएगी, ये आपकी आएगी 5.668। अच्छा अच्छी बात है, 5.668 मीटर पर सेकंड ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही था, देखिए यहां पर कहीं भी आपको जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका ऐसे लेवल आपको नहीं दिया था, यहां पर आपको स्टैग्नेशन और स्टैटिक प्रेशर के टर्म्स में यहां पर आपको वैल्यू दे दी गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पिटोट ट्यूब में हम एच की वैल्यू यूज करते हैं वो स्टैग्नेशन, कोई भी एच हेड की वैल्यू यूज करें हम, उसकी वैल्यू क्या होती है, स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड की वैल्यू होती है। तो आप उसको क्या करिए, वहां पर लिख के उसको उसका फॉर्मूला को यूज करके आप यहां पर एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर हम लोग का जितना भी फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस का जो कॉन्सेप्ट था, वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइसेस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा खत्म होता है, ठीक है। यहां पर एक और पॉइंट होता है, उसको मैं, चलिए उसको भी मैं पढ़ा ही देता हूं, थोड़ा देर लगेगा, दिमाग में आ जाता है, क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसा कुछ चीजें दिमाग में आ जाती है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कभी नहीं आया है, बट स्टिल मैं आपको पढ़ा देता हूं, स्टिल मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। आप लोगों ने नोजल्स के बारे में पढ़ा होगा ना, नोजल के बारे में, तो चलिए मान लीजिए कि आपका कोई भी पाइप है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी पाइप है, ठीक है, जिसमें से क्या हो रहा है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक वो लगा दिया, नोजल लगा दिया, लो जी मैंने यहां पर क्या लगा दिया, नोजल लगा दिया, ये नोजल लगा दिया। अब ये नोजल लगाने से क्या होगा, ये नोजल लगाने से यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, देखिए यहाँ का अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर मैं ए ले लूं, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहां का क्रॉस सेक्शन में ए ले लूं, तो हमें पता है कि नोजल के केस में, फॉर अ नोजल, फॉर अ नोजल, नोजल के केस में क्या होता है, ए इज स्मॉलर देन ए, ठीक है। अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मैं मान लेता हूं भाई फ्लूइड की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो ये है, अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो मान लेता हूं मैं यहां पर कुछ वेलोसिटी थी फ्लूइड की, कुछ वेलोसिटी थी जिसको मैं स्मॉल बी मानता हूं, और जब ये फ्लूइड जब यहां से हमारा पास होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, और मैं मान के चलता हूं वो है कैपिटल बी, ठीक है। अगर मेरा ए जो है स्मॉल ए, कैपिटल ए से छोटा है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल बी विल बी स्मॉलर, ग्रेटर देन स्मॉल बी, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, ये जो वी की वैल्यू होती है, ये जो वी की वैल्यू होती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला पे, अगर मैं डिस्चार्ज के लिए यहां पर देखना चाहूं तो ये जो वी की वैल्यू होती है, ये वी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस 4fl अपॉन डी इंटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन होता है, इसको आप लिख दीजिए, हालांकि कभी पूछा तो गया नहीं है, मेरे नॉलेज में तो कभी नहीं पूछा गया, बट फिर भी आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल वी की वैल्यू है जो यहां से वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो बाहर निकल रही है। अब कौन सी चीज क्या क्या है, ये देखिए, ये जो एच है आपका, एच क्या है, प्रेशर हेड डिफरेंस है, प्रेशर हेड डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर हेड डिफरेंस, ठीक है, जो आपका यहां पर क्या था, यहां पर आपका हाई प्रेशर हेड था, यहां पर आपका लो प्रेशर हेड था, तो कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा, वो प्रेशर ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ मीटर को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा,
यहां पर जो एफ होगा ठीक है वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहां से फ्रिक्शन जो फ्लो थ्रू पाइप्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स वहां पर हम पढ़ेंगे, ये स्टैग्नेशन प्रेशर, ये जो स्टैटिक प्रेशर के जो कॉन्सेप्ट हैं इसको हम सब फ्लो थ्रू पाइप्स में पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एल होता है आपका लेंथ ऑफ द पाइप, एल क्या होगा आपका लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है ओके। यहां पर आपका जो डी जो है, डी क्या है डायामीटर, डी आपका क्या है डायामीटर, डायामीटर ऑफ ये आपका डायमीटर किसका लेंगे आपका नोजल का लेंगे, डायमीटर ऑफ नोजल। इसके बाद आपका जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए आपका क्या होता है एरिया ऑफ द नोजल, एरिया ऑफ नोजल, ठीक है। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कैपिटल ए क्या होगा एरिया ऑफ द पाइप, एरिया ऑफ पाइप, ठीक है। यहां पर डी के लिए आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, डी जो है आपका यहां पर नोजल नहीं होगा, कैपिटल डी लिखा है मैंने, ठीक है। यहां पर होगा डायमीटर ऑफ दी पाइप, ठीक है, इसको आप सही कर दीजिए। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें इसकी वैल्यूज होगी, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, इन केस आ गया तो बनाने लायक तो रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डिस्चार्ज की वैल्यू लिखना चाहूं तो डिस्चार्ज की वैल्यू इस करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी के लिए क्या होगी, स्मॉल ए इंटू कैपिटल, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे ओके। सो ये रहा कॉन्सेप्ट पूरा पिटॉट ट्यूब का, ठीक है। इसके अलावा मैंने नोजल के लिए भी बता दिया, देखिए नोजल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। नोजल क्या होता है ना फ्रेंड्स, जनरली जो क्या करते हैं नोजल हम लोग इसलिए किसी पाइप में लगाते हैं ताकि जो फ्लोइंग फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाती है। अब जनरली इसको हम कहाँ यूज करते हैं फ्रेंड्स, जनरली इसमें जो भी फ्लूइड को है हम इंपार्ट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब एक फोर्स के तहत यूज करते हैं, कहाँ पर टर्बाइन्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर जो फ्लूइड होता है ये आपके नोजल से क्या होता है बाहर निकलता है, तो ये हमेशा ओपन टू दी एटमॉस्फेयर होता है, ये क्या होता है ओपन टू दी एटमॉस्फेयर होता है। तो यहां पर इसकी जो प्रेशर एनर्जी होती है वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो चुकी रहती है, काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो चुकी रहती है। जैसे अगर मैं पेल्टन टर्बाइन की बात करूं तो पेल्टन टर्बाइन कैसे टर्बाइन होते हैं, हाई हेड टर्बाइन होते हैं, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो हाई हेड टर्बाइन में क्या होता है, फ्लूइड आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आता है, हायर पोटेंशियल में क्या होता है उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे जैसे फ्लूइड आपका नीचे आता है वो पोटेंशियल एनर्जी किस पे कन्वर्ट होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। उस काइनेटिक एनर्जी, एक तो वैसे भी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसके बाद क्या होता है पाइप के एंड में नोजल लगा दिया जाता है, और वो नोजल से फ्लूइड इतनी तेजी से बाहर निकलता है कि वो आपके जो टर्बाइन के व्हील्स हैं उसमें जब टकराता है उसके बाद वो व्हील क्या होते हैं घूमने लग जाते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा तेजी से टकराएगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा वर्क आउटपुट मिलेगा, टर्बाइन से हमको क्या मिलता है वर्क आउटपुट मिलता है, ठीक है ओके। तो उससे क्या होता है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है हमारी, तो कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे टर्बाइन के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, पावर को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट और ये सब। तो ये नोजल के लिए होता है। अब नोजल का कभी भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा तो गया नहीं है, बट स्टिल फॉर्मूला लिख लीजिए क्या घाटा जा रहा है, कोई घाटा तो जा नहीं रहा है ना, हमको एक नॉलेज तो मिल रहा है कम से कम, इन केस अगर क्वेश्चन आ गया हमें एज रहेगा, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं, कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, देखिए फ्लूइड डायनेमिक्स को तो मैं यहां पर ओवरऑल खत्म मान के चल रहा हूं, लेकिन स्टिल कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो है आपका इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम इंपैक्ट ऑफ जेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दो, जैसी वीडियो जाए आपको आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।